हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MMPC 005 का असाइनमेंट। ये MBA फर्स्ट सेमेस्टर जिनका एडमिशन जुलाई सेशन या जनवरी 2024 सेशन में होने वाले हैं या जुलाई 2023 सेशन में जिनका हुआ, ये उनके लिए वैलिड है। चलिए इसके बारे में और डीपली बताता हूँ मैं आपको। ये असाइनमेंट सबमिट करनी है जनवरी वालों के लिए, जनवरी 2023 वालों के लिए। 30 अप्रैल तक आपको ये असाइनमेंट सबमिट करनी है। सो और डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। इग्नू में एडमिशन लिए हुए सभी स्टूडेंट को असाइनमेंट बनाना जरूरी होता है। हर सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट दिया जाता है स्टूडेंट को बनाने के लिए। जितने सब्जेक्ट आपके पास है उतने ही आपके असाइनमेंट बनाने होंगे। आपका असाइनमेंट के लिए ये भी है कि आप असाइनमेंट हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। सपोज़ आपने एडमिशन लिया है इंग्लिश लैंग्वेज में, बट अगर किसी भी रीज़न से आप हिंदी बनाना चाहते हैं हिंदी बना सकते हैं। सपोज़ आपने एडमिशन लिया है इंग्लिश में, सपोज़ आपने हिंदी में एडमिशन लिया है, तो आप असाइनमेंट चाहे तो उसे इंग्लिश में भी बना के सबमिट कर सकते हो। तो असाइनमेंट के लिए और एग्ज़ाम के लिए दोनों ही कंडीशन में ये चीज़ है कि आपने लैंग्वेज कोई भी चूज़ किया हो तो आप असाइनमेंट या एग्ज़ाम किसी भी दूसरे लैंग्वेज में दे सकते, बट ओनली हिंदी या इंग्लिश में ये कंडीशन लागू है। उड़िया लैंग्वेज, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, इन सब के लिए ये कंडीशन नहीं है। अगर आपने पंजाबी में कोई सब्जेक्ट लिया है तो इट मीन्स आपको पंजाबी में ही बनाने होंगे, इंग्लिश या हिंदी में नहीं। सो ये कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गाइज देखिए, असाइनमेंट इग्नू जो है साल में 2 बार प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली। एक है जून सेशन वालों के लिए और एक है जनवरी सेशन के लिए। लेकिन मोस्टली असाइनमेंट जो इग्नू प्रोवाइड करती है वो साल में 1 बार अपलोड करती है साइट पे और उसे सबमिट लेती है 2 बार। सपोज़ कोई असाइनमेंट है 23 या 24 का, ये एनुअल एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ मैं। असाइनमेंट जो सेमेस्टर वाइज होते हैं उनके लिए अलग कंडीशन है, उसके लिए मैं बताऊँगा अभी। लेकिन जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं एनुअल एग्ज़ाम वालों के लिए ये चीज़ है कि सपोज़ 23-24 का असाइनमेंट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है अगस्त 2023 में उन्होंने असाइनमेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो ये असाइनमेंट वो सभी स्टूडेंट के लिए होंगे जिन स्टूडेंट ने 2023 के जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, और जो 2024 के जनवरी सेशन में एडमिशन लेंगे उन सब के लिए ये असाइनमेंट वैलिड होगा। तो वो दोनों ही सेशन में इस असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। बट सेमेस्टर सिस्टम वालों के लिए ऐसा नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम जिन स्टूडेंट का होता है उनके लिए ये कंडीशन है कि हर सेमेस्टर उनके नए क्वेश्चन पेपर आते हैं और उनको सबमिट करना होता है उसके अकॉर्डिंग ही। बट इग्नू BA, BCom, BSc इन सब के लिए भी कहा गया था कि इग्नू इनका एग्ज़ाम भी अब सेमेस्टर सिस्टम वाइज लेंगे, बट 2020 में जो कंडीशन लागू किया गया था उसमें कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया। एडमिशन एनुअल लिए जा रहे हैं बट जब लिख के आता है उनके पेपर पे तो वो लिखा रहा है सेमेस्टर 1 ये है, सेमेस्टर 2 ये है, ये लिखा हुआ आता है। बट एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है वो एनुअल बेस ही कराए जाते हैं। ये BA, BCom, BSc वालों के लिए है। इसके अलावा जो कुछ सब्जेक्ट है जैसे MBA हो गया, BCA हो गया, इनके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज ही होते हैं। तो सेमेस्टर वाइज उनके एग्ज़ाम होते हैं तो उनको सेमेस्टर वाइज ही अपने असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं। जिन स्टूडेंट का सपोज एनुअल एग्ज़ाम है, जिन स्टूडेंट ने जुलाई सेशन में एडमिशन ले रखा है उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक में उसको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। सपोज़ और किसी जिन स्टूडेंट ने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं अक्टूबर में जब असाइनमेंट सबमिट उस वक्त, क्योंकि जनवरी वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में कराए जाते हैं। तो दिसंबर एग्ज़ाम होने से पहले ही अक्टूबर में इनको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे और उसी समय आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। सेम जुलाई सेशन वालों के लिए, उनका एग्ज़ाम जुलाई सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जून में होगा, तो जून से पहले मार्च आता है, तो मार्च में उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे और उसी वक्त उनको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना होगा। ये है इग्नू की कंडीशन। बट वही सेमेस्टर सिस्टम वालों की बात करो तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मली जनवरी में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनको उनका एग्ज़ाम जो है अभी जनवरी के बाद जून में 6 महीने बाद ही उनका एग्ज़ाम होगा, तो उस 6 महीने से पहले मार्च में उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। और सेम जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है उनको अपना एग्ज़ाम दिसंबर में देना है, तो वो अपना असाइनमेंट अक्टूबर में सबमिट करेंगे। बट गाइस असाइनमेंट सबमिट तो इस तरीके से होना है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है इग्नू की। बट इग्नू ये बात कभी नहीं कहता है कि आप अपने असाइनमेंट दीजिए तब जाके आप एग्ज़ाम दीजिए, कभी नहीं कहता। एग्ज़ाम और असाइनमेंट दोनों में ही पास होना मैंडेटरी होता है इग्नू के स्टूडेंट के लिए।
और असाइनमेंट की मैं बात करूँ तो असाइनमेंट की वैल्यू जो होती है वो अराउंड 30 मार्क्स तक का कवर करता है। एक एग्ज़ाम आपके 100 मार्क्स के हैं तो 70% आप थ्योरी एग्ज़ाम से लाएंगे और 30% मार्क्स आपके आएंगे कहाँ से, असाइनमेंट में से। तो असाइनमेंट भी आपको पास करना मैंडेट होता है। कंडीशन ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम से पहले असाइनमेंट सबमिट कीजिए। देखिए, आपने बीए या बीकॉम, मान लीजिए आपने एमकॉम एमबीए में एडमिशन लिया है, एमबीए में 5 साल तक आपका टाइम होता है, मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल। आपको ये 5 साल इग्नू देता है, इस 5 साल में आपको एमबीए पूरी तरह से क्लियर करके निकलने हैं। इस टाइम में आपको अपने असाइनमेंट, अपने प्रोजेक्ट और अपने थ्योरी एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे। तो सपोज़ आपने असाइनमेंट का टाइम, आपने एग्ज़ाम सारे दे दिए, असाइनमेंट नहीं दिए, तो आप असाइनमेंट बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम टाइम से दीजिए या एग्ज़ाम में भी अगर नहीं दे पा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम ऑलरेडी चलता है इसके अंदर, तो आपको बस ये याद रखना है कि आपको इस 5 साल के दौरान आपको अपना एमबीए क्लियर करना है। आपको सारे एग्ज़ाम थ्योरिकल एग्ज़ाम निकालने होंगे और सारे ही आपके प्रैक्टिकल या फिर जो असाइनमेंट बेस या प्रोजेक्ट वाइज है उनको भी आपको क्लियर करना होगा। सपोज़ आपने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है, आपका एग्ज़ाम होना है दिसंबर 2023 में, बट इन केस आप किसी भी रीज़न से आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो कोई इशू नहीं है, आप असाइनमेंट बाद में सबमिट कीजिए और एग्ज़ाम दे दीजिए। इन केस आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं कोई भी रीज़न से, या सपोज़ आपने 7 सब्जेक्ट है आपके पास और आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पा रहे, तो कोई इशू नहीं, आपके एक दो सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, तो उसके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिए और उसी के हिसाब से आप अपना असाइनमेंट बनाइए और सबमिट कीजिए। असाइनमेंट तो कितना भी सबमिट कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम आप जितनी तैयारी कर सकते हैं आप उतने एग्ज़ाम दीजिए। इग्नू कैरी फॉरवर्ड सिस्टम पे चलता है, इट मीन्स आपको ये टाइम दिया जाता है कि सपोज़ आपने फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया लेकिन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उससे पहले आपको सेकेंड ईयर एडमिशन लेना पड़ता है। सेकेंड ईयर में गए आप, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए तो भी आपको फाइनल ईयर का एडमिशन लेना पड़ता है। तो इन केस आप इग्नू में हैं तो कैरी फॉरवर्ड सिस्टम आपके लिए लागू होता है। आप फाइनल ईयर में जाके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर का एग्ज़ाम एक साथ भी दे सकते हैं। ये इग्नू की अपनी एक कैरी फॉरवर्ड सिस्टम के थ्रू चलता है, सो इसमें ये आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा गाइस, इग्नू एक और फैसिलिटी देता है कि आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो आप वहीं पर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ही नहीं, ओवरसीज़ में भी इग्नू काफ़ी अच्छे लेवल पर काम करती है। अगर ओवरसीज़ में भी अगर देखा है तो 17 कंट्री में इग्नू है, तो वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देना चाहें तो दे सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतना है नॉर्मली कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उस वक्त आपको शो करना पड़ता है कि आप एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। सपोज़ जब आपने एडमिशन लिया उस वक्त आप दिल्ली में थे, बट किसी भी रीज़न से आप यहाँ से शिफ्ट हो गए या किसी भी जॉब के पर्पज़ से आप बाहर निकल के कहीं चले गए, आप सपोज़ मुंबई चले गए या फिर कोलकाता चले गए, आप उस जगह पर हैं, तो आप कोई सुनिए, जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म का टाइम आएगा उस वक्त आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म वहीं फिल कर दीजिए, आपका वहीं पर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इग्नू कैरी फॉरवर्ड सिस्टम पे चलता है, तो इस बात का बेसिकली आप ध्यान रखिए। और साथ ही साथ जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये बात बिल्कुल याद रखना होगा कि आप नॉर्मली एडमिशन हर ईयर ले, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर 3 साल का आपका कोई कोर्स है तो आप 3 साल आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। और टाइम आपको सर जुलाई सेशन है तो अगले साल जून तक, जून जुलाई में आपको फिर से एडमिशन लेना, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो आपको एडमिशन लेना होगा, तो ये आप ले लीजिए। नहीं तो अदरवाइज़ आप अगर उस सेमेस्टर में नहीं लेते हैं, आप 6 महीने आगे चले गए, तो इट मीन्स आपका एडमिशन 6 महीने डिले हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल बेसिकली आप ध्यान रखिए। और असाइनमेंट आप कॉपी कर सकते हैं, ये असाइनमेंट बिल्कुल इनफ है एक पेपर के लिए। अगर इसमें आपको किस तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट माई डियर फ्रेंड, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इग्नू में एडमिशन लिए हुए सभी स्टूडेंट को असाइनमेंट बनाना ज़रूरी होता है। हर सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट दिया जाता है स्टूडेंट को बनाने के लिए। जितने सब्जेक्ट आपके पास है उतने ही आपके असाइनमेंट बनाने होंगे। आपका असाइनमेंट के लिए ये भी है कि आप असाइनमेंट हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। सपोज़ आपने एडमिशन लिया है इंग्लिश लैंग्वेज में, बट अगर किसी भी रीज़न से आप हिंदी बनाना चाहते हैं हिंदी बना सकते हैं। सपोज़ आपने एडमिशन लिया है इंग्लिश में, सपोज़ आपने हिंदी में एडमिशन लिया है तो आप असाइनमेंट चाहे तो उसे इंग्लिश में भी बना के सबमिट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट के लिए और एग्ज़ाम के लिए दोनों ही कंडीशन में ये चीज़ है कि आपने लैंग्वेज कोई भी चूज़ किया हो तो आप असाइनमेंट या एग्ज़ाम किसी भी दूसरे लैंग्वेज में दे सकते, बट ओनली हिंदी या इंग्लिश में ये कंडीशन लागू है।
उड़िया लैंग्वेज, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, इन सब के लिए ये कंडीशन नहीं है। अगर आपने पंजाबी में कोई सब्जेक्ट लिया है तो इट मीन्स आपको पंजाबी में ही बनाने होंगे, इंग्लिश या हिंदी में नहीं। सो ये कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गाइज देखिए, असाइनमेंट इग्नू जो है साल में 2 बार प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली, एक है जून सेशन वालों के लिए और एक है जनवरी सेशन के लिए। लेकिन मोस्टली असाइनमेंट जो इग्नू प्रोवाइड करती है वो साल में 1 बार अपलोड करती है साइट पे और उसे सबमिट लेती है 2 बार। सपोज़ कोई असाइनमेंट है 23 या 24 का, ये एनुअल एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ मैं, असाइनमेंट जो सेमेस्टर वाइज होते हैं उनके लिए अलग कंडीशन है, उसके लिए मैं बताऊँगा अभी। लेकिन जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम वालों के लिए ये चीज़ है कि सपोज़ 23-24 का असाइनमेंट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है अक्टूबर सॉरी इन्होंने अगस्त 2023 में इन्होंने असाइनमेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो ये असाइनमेंट वो सभी स्टूडेंट के लिए होंगे जिन स्टूडेंट ने 2023 के जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है, और जो 2024 के जनवरी सेशन में एडमिशन लेंगे उन सब के लिए ये असाइनमेंट वैलिड होगा। तो वो दोनों ही सेशन में इस असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। बट सेमेस्टर सिस्टम वालों के लिए ऐसा नहीं है। सेमेस्टर सिस्टम जिन स्टूडेंट का होता है उनके लिए ये कंडीशन है कि हर सेमेस्टर उनके नए क्वेश्चन पेपर आते हैं और उनको सबमिट करना होता है उसके अकॉर्डिंग ही। बट इग्नू बीए, बीकॉम, बीएससी इन सब के लिए भी कहा गया था कि इग्नू इनका एग्ज़ाम भी अब सेमेस्टर सिस्टम वाइज लेंगे। बट 2020 में जो कंडीशन लागू किया गया था उसमें कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया। एडमिशन एनुअल लिए जा रहे हैं बट जब लिख के आता है उनके पेपर पे तो वो लिखा रहा है सेमेस्टर 1 ये है, सेमेस्टर 2 ये लिखा हुआ था, बट एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है वो एनुअल बेस ही कराए जाते हैं। ये बीए, बीकॉम, बीएससी वालों के लिए है। इसके अलावा जो कुछ सब्जेक्ट है जैसे एमबीए हो गया, बीसीए हो गया, इनके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज ही होते हैं। तो सेमेस्टर वाइज उनके एग्ज़ाम होते हैं तो उनको सेमेस्टर वाइज ही अपने असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं। जिन स्टूडेंट का सपोज एनुअल एग्ज़ाम है, जिन स्टूडेंट ने जुलाई सेशन में एडमिशन ले रखा है उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं अप्रैल 2000 मतलब नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक में उसको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। सपोज़ और किसी जिन स्टूडेंट ने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं अक्टूबर सेशन में, अक्टूबर में मतलब सितंबर अक्टूबर में जब असाइनमेंट सबमिट उस वक्त, क्योंकि जनवरी वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में कराए जाते हैं, तो दिसंबर एग्ज़ाम होने से पहले ही अक्टूबर में इनको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे और उसी समय आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। सेम जुलाई सेशन वालों के लिए, उनका एग्ज़ाम जुलाई सेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जून में होगा, तो जून से पहले मार्च आता है तो मार्च में उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे और उसी वक्त उनको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना होगा। ये है इग्नू की कंडीशन। बट वही सेमेस्टर सिस्टम वालों के बात करो तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मली जनवरी में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनको उनका एग्ज़ाम जो है अभी जनवरी के बाद जून में 6 महीने बाद ही उनका एग्ज़ाम होगा, तो उस 6 महीने से पहले अक्टूबर सॉरी मार्च में उनको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। और सेम जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया उनको अपना एग्ज़ाम दिसंबर में देना है तो वो अपना असाइनमेंट अक्टूबर में सबमिट करेंगे। बट गाइस असाइनमेंट सबमिट तो इस तरीके से होना है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है इग्नू की। बट इग्नू ये बात कभी नहीं कहता है कि आप अपने असाइनमेंट दीजिए तब जाके आप एग्ज़ाम दीजिए, कभी नहीं कहता। एग्ज़ाम और असाइनमेंट दोनों में ही पास होना मैंडेटरी होता है इग्नू के स्टूडेंट के लिए। और असाइनमेंट की मैं बात करूँ तो असाइनमेंट की वैल्यू जो होती है वो अराउंड 30 मार्क्स तक का कवर करता है। एक एग्ज़ाम आपके 100 मार्क्स के हैं तो 70% आप थ्योरी एग्ज़ाम से लाएंगे और 30% मार्क्स आपके आएंगे कहाँ से, असाइनमेंट में से। तो असाइनमेंट भी आपको पास करना मैंडेट होता है। कंडीशन ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम से पहले असाइनमेंट सबमिट कीजिए। देखिए आपने बीए या बीकॉम मान लीजिए आपने एमबीए में एडमिशन लिया है, एमबीए में 5 साल तक आपका टाइम होता है, मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल। आपको ये 5 साल इग्नू देता है, इस 5 साल में आपको एमबीए पूरी तरह से क्लियर करके निकलने हैं। इस टाइम में आपको अपने असाइनमेंट, अपने प्रोजेक्ट और अपने थ्योरी एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे। तो सपोज़ आपने असाइनमेंट का टाइम, आपने एग्ज़ाम सारे दे दिए, असाइनमेंट नहीं दिए, तो आप असाइनमेंट बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम टाइम से दीजिए या एग्ज़ाम में भी अगर नहीं दे पा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम ऑलरेडी चलता है इसके अंदर, तो आपको बस ये याद रखना है कि आपको इस 5 साल के दौरान आपको अपना एमबीए क्लियर करना है, आपको सारे एग्ज़ाम थ्योरिकल एग्ज़ाम निकालने होंगे और सारे ही आपके प्रैक्टिस